सो लेट्स स्टार्ट द टॉक विद दीन इमरा मेहरा और आप लोग अब लाइव कॉल्स कीजिए 0423-630-9045 और बस हम स्टार्ट करते हैं सिलसिला बातों का निमरा से। जी निमरा, मुझे बताएं कि रमजान में मामूलात घर में कैसे बदलते हैं, सब घर वाले कैसे सब मिलके बैठते हैं इफ्तार सहर में? रमजान के लिए तो खूबसूरती है कि पूरी फैमिली इकट्ठे सहरी करना, इकट्ठे अफतारी करना, सबका एक ही जगह एक ही दस्तरखान पे इकट्ठे होना। वैसे नॉर्मल रूटीन में आपको पता है कोई कहीं काम गया होता है, कोई कहीं काम गया होता है, तो मुश्किल हो जाता है इकट्ठे होकर खाना खाना, इवन एक खाना खाना भी मुश्किल हो जाता है, सब अपने अपने काम में बिजी होते हैं। तो रमजान की ये खूबसूरती है कि वो सबको जोड़ देता है, सबको जगह इकट्ठा कर देता है कि अभी ये सहरी का वक्त है तो सब इकट्ठे जागेंगे, ये सहरी करेंगे, अफतारी करेंगे। तो ये तो एक खूबसूरत सा एक बन जाता है सिलसिला, जो ऑब्वियसली ईद के बाद फिर से खत्म हो जाता है क्योंकि सब अपने अपने कामों में दोबारा से बिजी हो जाते हैं। तो बस मुझे बताएं कि आपकी फेवरेट डिशेस क्या होती हैं टेबल पे सहर अफ्तार में कि मैंने ये खाना है? पहले आज से कोई 2 साल पहले बहुत होती थी, हर चीज मेरी फेवरेट होती थी क्योंकि मैं अफ्तार में बहुत खाती थी, लेकिन अब तो लगता है बहुत टाइम हो चुकी है। अब मुझे डर लगता है खाने से, मैं ये तो मुझे लग जाएगा और मैं मोटी हो जाऊंगी, तो अब मेरी कोशिश होती है कम खाऊं, जूस पीती हूँ, एक आध खजूर खा लेती हूँ और बस उसके बाद कोशिश होती है कि 2 घंटे या 1 घंटे के बाद थोड़ा सा खाना खा लूँ, थोड़ी सी रोटी खा लूँ। कोशिश करती हूँ ऑयली चीज़ों से मेरी जान जाती है अब कि नहीं ये खाऊंगी तो इससे कुछ हो जाएगा, क्योंकि आप सारा दिन के भूखे होते हो, जब आप ऑयली चीज़ें खाते हो, ऑयली स्टफ खाते हो तो आपको, मुझे बाकी सबका तो पता नहीं, कॉज ऐसे बहुत सी दुनिया में लोग हैं जिनको नहीं भी लगता है, लगता नहीं, वो बहुत लकी लोग हैं वैसे, आपस की बात है कि जो जो जितना मर्जी खा ले वो हेल्दी नहीं होते, मोटे ही नहीं होते, कैसे पता नहीं उनका जाता है। एग्जैक्टली मुझे तो फौरन लग जाता है, इसलिए कोशिश करती हूँ कम खाऊं, जितना कम खा सकती हूँ उतना कम खाऊं। ठीक है, कोई खास डिश नहीं है आपकी उस तरह? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बस एक जूस है और चाट और नहीं, हाँ एक ब्लैक चना चाट। हाँ, वो तो फुल ऑफ कैलोरीज नहीं होती, लेस कैलोरीज होती है, प्रोटीन्स है ना, भी होता है वो, मजे की भी लगती है, आप उसमें थोड़ा सा लीमू डाल लो, एग्जैक्टली वो बहुत मजे की हो जाती है। तो अगर मैं बहुत मेरा दिल चाह रहा हो तो मैं वो खा लेती हूँ साथ एक स्ट्रॉबेरी जूस। वैसे मैंने अभी तक वो नहीं खाई, विदाउट चीनी विदाउट नमक स्ट्रॉबेरी जूस, यानी कि आपने सब सोचा हुआ है कि मैंने इस ईद पे ग्लो करना है अपनी ट्रिमनेस से। हाँ ये होता है, मेरा भी गोल था लेकिन मैंने उस गोल को छोड़ दिया। पता है मैं शाम को तो अच्छा खासा कम मेरी बात सुने, फेस ही जो नजर आ रहा है वो तो थोड़ा हेल्दी है, लेकिन मेरी बात सुने, पकौड़े मैं नहीं छोड़ सकता, समोसे अल्टरनेट डे पे खाता हूँ मैं, के क्या करूं अब, ये वो होता है कभी कभी, जब रौनक के टेबल तो पकौड़ा होता है, पकौड़ा होता है वो साथ दही भल्ले होते हैं, साथ एक आध और डिशेस बना ली जाती है घर पे, समोसे बना लिए, खुशियाँ बाहर से मंगवा लिए, कचोरियाँ मंगवा ली, ये तो रमजान की शान बन जाती है ना पूरे बोल, तो ऐसे भरा हुआ था पूरा, लाइक दस्तरखान कहते हैं ये भी खा लो, ये थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा खा लो, दिल करता है ललचाता तो जरूर है, लेकिन फिर कहते नहीं अभी रुक जाओ, बेहतर है थोड़ा। अच्छा मुझे आप बताएं कि ये जो डिम्पल आपका है ये आपका लकी चार्म बना? बहुत बना है ना, मुझे लगता है काफी बन गया है। हां, because people love this dimple, of course like people love this dimple and people like crazy about it yaar. ye jo hai na, matlab main pehle obviously multiple channels pe jo main shows karti thi to morning show bhi mara, kyunki humne aapke sath bhi kiya tha, ye bhi hota tha, to like mujhe wahan pe logon ke zyada parents the, wo dimple wali jo ladki hai na usko show pe bulaya, exactly to mere dimple se zyada mujhe jana jata hai, main pata nahi kisi ko mera naam, kuch log hote hain jinko naam nahi bhi pata hota hai aapko, lekin unko dimple se yaad rehta hai, wo dimple wali jo ladki hai na usko karna hai, usse baat karni hai, wo achhi lagti hai, ye ho jata hai, तो बस लाइक ये काफी है मेरे लिए, मेरी एक अलग से पहचान बनाता है। बिल्कुल सही है, बहुत जरूरी है। अच्छा मुझे बताएं कि इन दिस टाइम पीरियड हाउ इज द म्यूजिक करियर गोइंग ऑन? हाँ अभी खुद दोबारा से, अब कोरोना का एक नई लहर शुरू हुई है, तो अभी तक तो उससे पहले तक तो सब ठीक चल रहा था और अच्छे हालात भी हो गए थे, मुल्क के भी चीजें भी खुल गई थी और सब कुछ नॉर्मल हो गया था, लेकिन अब दोबारा से वो फेस चल रहा है, तो जो है हमारा सोशल मीडिया पे जो काम चल रहा होता है वो तो ऑनवर्ड चलता रहता है, क्योंकि उसका तो आपने घर पे बैठ के करना है, इट्स नॉट दैट टफ, क्योंकि आप उसको नहीं कर सकते हो, तो बाकी जो होती हैं कॉन्सर्ट अपीयरेंस वो कम हो जाती है, होते नहीं है तो फिर आप नहीं कर पाते हो। वो तो जिन जैसे ये हालात बेहतर होंगे तो दोबारा से, इवन जब थोड़े टाइम के लिए भी कम हुआ है ये प्रोसेस, तो बहुत ज्यादा लोगों ने, क्योंकि लोग चाह रहे थे ना म्यूजिक को ऐसे लाइव सुनना, गेट टूगेदर होना, बहुत चीजें होना, तो वो हुए, लेकिन फिर एक थोड़े टाइम के लिए हुए, बिल्कुल ठीक है। हमें पहली कॉल आ गई है, अभी हमने जाना है कॉल पे फॉलोड बाय अ ब्रेक, ताकि हम अगले गेस्ट को दावत दे सकें। फिलहाल